प्रकृति की नायाब संरचना है मयूर, जो भारत का राज्य पक्षी है। हम लोग नॉर्मली मयूर के एक ही प्रजाति के बारे में जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में कुल 3 प्रजाति के मयूर पाए जाते हैं। पहला है ब्लू यानी इंडियन पीफाउल, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। दोस्तों, इंडियन पीफाउल के बारे में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना के रखी है, अगर आप चाहते हैं तो ऊपर बने हुए आई आइकन को प्रेस करके देख सकते हैं। दूसरा है ग्रीन पीफाउल, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। और लास्ट कॉन्गो पीफाउल, जो ब्लू और ग्रीन पीफाउल से अलग दिखती है, पर है इन्हीं की प्रजाति, जो अफ्रीका में पाई जाती है। आज इस वीडियो में हम कॉन्गो पीफाउल के बारे में ही जानने वाले हैं। कॉन्गो पीफाउल, अफ्रीकन पीफाउल, एम्ब्यूलो इत्यादि नाम से भी जानी जाती है। ये प्रजाति कॉन्गो घाटी का स्थानीय पक्षी है। इस प्रजाति में 2 बर्ड स्पीसीज, पीफाउल यानी मयूर और गिनी फाउल की विशेषताएं देखी जाती है, जो इन दोनों बर्ड्स के बीच के रिलेशन को दर्शाती है। इस प्रजाति के मेल्स की लंबाई 65 से लेकर 70 सेमी तक होती है, वही फीमेल्स 60 से 63 सेमी तक होती है। अपने दूसरे कजन्स की तरह ये इतने आकर्षक नहीं होते। मेल्स के फेदर फिर भी ब्लू कलर के होते हैं विद मेटालिक ग्रीन एंड वायलेट टिंच, और इनके पूंछ में 14 पंख होते हैं। सर में सफेद चोटी होती है। मयूरी बहुत फीकी भूरे रंग की होती है और इनके पीठ में ग्रीन कलर के पंख होते हैं। कॉन्गो मयूर के आविष्कार की कहानी भी बहुत रोचक है। इसको सन 1936 में अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट जेम्स पॉल चैपिन ने ओकापी को ढूंढते वक्त खोजा था। डॉक्टर चैपिन ने नोटिस किया था कि कॉन्गो के आदिवासी अपने सर में एक अनोखी पक्षी का पंख लगाते हैं, जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा। बस और क्या, उसके बाद ही इसका आविष्कार हुआ और नाम रखा गया कॉन्गो मयूर। अपने बाकी कजन्स की तरह कॉन्गो मयूर भी मेटिंग के सीजन पर अपना पंख फैला के नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। भले ही ये इन्हें बड़े नहीं होते और खूबसूरत भी नहीं लगते, ये प्रजाति जमीन पे ही घोंसला बनाते हैं। मादाएं आमतौर पर 4 से लेकर 8 तक अंडे देती है। माता पिता दोनों अंडे और अंडे से बच्चे निकलने के बाद उनकी देखभाल करते हैं। कॉन्गो मयूर ओमनिवोरस अर्थात सर्वहारी पक्षी है। फल से लेकर कीड़े मकौड़े सबको ये कंज्यूम करती है। वर्तमान काल में पेड़ों की कटाई, खुदाई और झूम कृषि के कारण इनकी तादाद बहुत तेजी से कम हो रही है। जंगलों में ये अभी 2500 से 9000 तक सीमित हो चुके हैं। IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट में शामिल किया है। अगर अभी भी इनको बचाया नहीं गया तो ये प्रजाति दुनिया से विलुप्त हो जा सकती है।
आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और आगे आप कौन से जानवर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक टेक केयर।